जगदलपुर पुलिस ने दो ऐसे बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो पुलिस की आंखों में ही धूल झोंककर ग्रामीणों को ठग रहे थे। रिपोर्ट देखिए। जगदलपुर की कोतवाली पुलिस ने बेहद शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है जो पुलिस अधीक्षक के ही जाली हस्ताक्षर करके वाहनों की नीलामी के नाम पर ग्रामीणों के साथ जालसाजी को अंजाम दे रहे थे। आरोपियों से पूछताछ कर रही पुलिस का दावा है कि इस वारदात के पीछे कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं। प्रार्थी द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा एक आदेश जिस पर नीचे हस्ताक्षर पुलिस अधीक्षक जिला बस्तर लिखा हुआ था वो भी दिया गया, जिसमें उनको गाड़ी मिल जाने की बात लिखी गई थी वो भी उनके द्वारा दिया गया है। काफ़ी समय बीत जाने के बाद और गाड़ी नहीं मिलने पर शंका होने पर इनके द्वारा आकर रिपोर्ट दर्ज किया गया, जिस पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई कर दोनों आरोपी कृष्णा वैष्णव और गुड्डू कश्यप दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, जिस पर उनके द्वारा जो है अपना अपराध कबूल किया। कोतवाली पुलिस के मुताबिक गिरफ्त में आए दो आरोपियों में से एक महिला पुलिस में आरक्षक है। आरोपियों के पास से 2,70,000 रुपए जब्त किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी कृष्णा ने अपने साथी मनोज कश्यप के साथ मिलकर जमावड़ा में ग्रामीणों को दुपहिया वाहनों की नीलामी होने का झांसा दिया। बेहद कम दामों में वाहन मिलने की बात सुनकर कई ग्रामीण उसके झांसे में आ गए, जिसके बाद आरोपियों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय की फर्जी सील लगाकर एसपी के हस्ताक्षर कर दिए और नीलामी के वाहन सौंपने की बात कहकर 30,000 रुपए ऐंठ लिए। इस तरह दोनों ठगों ने 11 लोगों को अपने झांसे में लेकर कुल 2,70,000 रुपए हड़प लिए। लेकिन आरोपियों पर जब ग्रामीणों को संदेह हुआ तो उन्होंने रविवार को कोतवाली पहुंचकर थाना प्रभारी को वाहन नीलामी के कागजात दिखाए और पूरी घटना की जानकारी दी। थाना प्रभारी ने तत्काल टीम बनाकर दोनों आरोपियों को शहर के कुमार बारा से दबोच लिया। थाने में जब्त वाहनों की नीलामी होने की है और कम दामों पर उन्हें अच्छी गाड़ी दिला देने की बात कहकर करीबन 23,000 रुपए उनसे ले लिया गया था और ऐसे ही अन्य 10 लोगों से 23,000 रुपए उन दोनों के द्वारा लिया गया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी कृष्णा जगदलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय की फर्जी सील बनाकर इन ग्रामीणों को गाड़ी की नीलामी होने का लेटर दे रहा था, जबकि पुलिस की तहकीकात में खुलासा हुआ कि आरोपी इससे पहले भी इसी तरह की ठगी की वारदात को अंजाम दे चुका है, लेकिन इस बार तो इनके हौसले इतने बुलंद हो गए कि पुलिस अधीक्षक के नाम की सील ही बनवा ली। इसमें करीबन 11 लोगों से बात हुई थी, अलग अलग वाहन देने की बात इनके द्वारा की गई थी और करीबन 2,70,000 रुपए इनके द्वारा अलग अलग व्यक्तियों से लिया गया था। पुलिस ने गिरोह के पूरे नेटवर्क का खुलासा करने के लिए सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी है, जिससे फर्जी सील और लेटर बनाने वाले आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा सके। हवालात के लिए जगदलपुर से आशुतोष तिवारी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बदायूं में